राम मंदिर अयोध्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। पूरी विवादित जमीन रामलला को दे दी गई है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमाल फारूकी साहब है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है, हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी पावर्स इस्तेमाल किए हैं जो हमारी नज़र के अंदर क्वेश्चनेबल है, और हम इसके ऊपर पूरा ज्ञान करेंगे, सोचेंगे अपने वकला के साथ भी बैठकर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठकर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बताएंगे। सर, अगला कदम क्या होगा? आप लोगों ने सबसे पहला एतराज जो जताया वो टाइटल नंबर सूट 4 को लेकर, कि पहले ये कहा गया था कि जो भी मालिकाना हक होगा वो आस्था के नाम पे नहीं दिया जाएगा, और जिस डॉक्यूमेंट्स का हवाला देकर ये ज़मीन रामलला को दी गई है उसी डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस नहीं माना गया, मस्जिद के एग्जांपल्स की जो दलीलें दी गई। मैं समझता हूँ आपने हमारी बात का जवाब दे दिया, तो वही हमारी प्रॉब्लम है। तो सर, अब क्या करेंगे? जमात इस्लामी भी आपके साथ? सब पूरी देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर सारी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। तो अगला कदम क्या होगा? हम बोर्ड की मीटिंग करेंगे। बोर्ड की मीटिंग करने के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल करेंगे, क्योंकि सूट नंबर 4 पे ये लोग संतुष्ट नहीं। इनका कहना है कि कोर्ट ने ये कहा था कि आस्था के नाम पे फैसला नहीं देंगे, लेकिन जिन डॉक्यूमेंट को मानते हुए, जिन सबूतों को मानते हुए जमीन रामलला को दी गई है, उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो मस्जिद के लिए दलील दी गई है, कोर्ट ने उसे नहीं माना है। कैमरामैन विजेंद्र के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।